हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो वीडियो है वो आज से मैंने थोड़े 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी 0.30 कैलिबर पिस्टल के ऊपर। तब ग्रेटा लॉन्च हुआ था, ग्रेटा का पिस्टल जो प्रोटेक्टर था वो आया था मार्केट में, और उसके जैसा जो जिस चीज़ की वो कॉपी है, मैंने इस पिस्टल का रिव्यू किया था कि ये कैसा पिस्टल है, ये कैसे काम करता है, इसके कौन से फीचर्स हैं, क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। और उसके साथ मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो पिस्टल है ये बहुत अच्छा होगा अगर अपनी जो मतलब जो ग्रेटा पिस्टल है वो बहुत अच्छा होगा अगर अपनी जो पूरी क्वालिटी है वो इसके जैसी ही रखता है, क्योंकि ये जो पिस्टल है ये मैंने इससे कम से कम अभी तक 700 से 800 राउंड्स फायर कर दिए मैंने। 700 से तो ज़्यादा हो गए, 700-800 राउंड्स हो गए। इसका मेरे पास डाटा नहीं है कि मैंने कितने फायर किए राउंड, पर अभी तक इसमें एक भी मेल फंक्शन मेरे को नहीं मिला, ना ही इसकी कोई फीडिंग इशू आए, ना ही कोई इजेक्शन का इशू आया। ये अभी भी बहुत अच्छा इजेक्ट करता है, बहुत अच्छा फीड होता है, बहुत अच्छा फायर करता है। बहुत से बुरे से बुरा एमुनेशन मैंने, पुराने से पुराना एमुनेशन भी इसमें चलाया है। तो जो मेन आज की वीडियो का जो मेन जो मेरा पर्पस है बनाने का वो ये है कि ऐसा पिस्टल जो बहुत अच्छा चल रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छा चल रहा है पिस्टल, तो इसकी जो कॉपी बनी है, जो इसके जैसा जो ओरिजिनल नहीं है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सोचें, जैसे हम अगर हम सोचें कि अमेरिका में वहाँ पे इस चीज़ का प्राइस जो है ये $300, आई थिंक 300 या $350 होगा, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में भी मिला तो भी $300 से ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होगा, अमेरिकन $300, और वो हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये बनने चाहिए, 25 हज़ार रुपये के करीब बनने चाहिए वो। तो ये जो पिस्टल जिसको मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरह से मैंने इसको फायर किया है, बहुत अच्छा इसका एक्यूरेसी है, बहुत मतलब एवरीथिंग। जो अभी तक मैंने इसकी जो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसकी जो ग्रिप थी वो थोड़ी सी लूज़ थी, उसका भी मैंने इसको रिपेयर कर लिया। जो पिस्टल सिर्फ 25 हज़ार रुपये का पिस्टल इंटरनेशनल में या अमेरिका में हम बोल सकते हैं वहाँ पे मिलता है, तो हमारे इंडिया में ये उसकी जो कॉपी है वो 4 से 5 लाख रुपए की कैसे हो गई। ये जो मेरे को जो चीज़ है वो अभी तक इस चीज़ का नहीं पता चल पाया। हम बहुत सारे रीज़न उनके अपने होंगे कि ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी करप्शन इन्वॉल्व होगी इसमें, इस चीज़ में, इसको पास कराने में, मतलब इसको नहीं, प्रोटेक्टर को उसकी जो टेस्टिंग के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए। पर एक 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 जो सोचने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर बाहर यहाँ पर ये बनता है, उस चीज़ की कीमत हमें सिर्फ 300 से 500 डॉलर की है, $300 मैक्सिमम $400 हो सकती है, 25-30 हज़ार रुपये, और हमारे यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए का वो कैसे बन गया। अगर मैं यही M57 यहाँ पे सेल करूँ, इंडिया में सेल करूँ, तो इंडिया में ये पिस्टल कम से कम 15-18 लाख रुपए का कम से कम होगा जैसी इसकी कंडीशन है। ऐसे नहीं कि ये पिस्टल किसी से कम है, ये जो अगर ये जो मेरा स्मिथ एंड वेसन है, अगर ये किसी भी तरीके से मुझे एज ए सेकेंडरी वेपन ये वाला यूज़ करना पड़ा उसकी जगह पे, तो मैं इसके ऊपर अपनी लाइफ को डिपेंड कर सकता हूँ। इस ये जो है ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे पूरा बिलीव है, मुझे पता है कि मैं इससे अच्छा शॉट ले सकता हूँ, इससे अच्छा डिफेंड कर सकता हूँ।
यही चीज़ें हो रही हैं। वो 1911 में जो MSD है हमारा, वो जो पिस्टल है वो मैक्सिमम अगर हम वहाँ पे लेते हैं, जो मेरा जो 1911 है, अगर हम वहाँ पे लेते हैं पिस्टल अमेरिका में या किसी और देश में, कनाडा में अगर हम लेते हैं, किसी भी देश में अगर हम लेते हैं, वो 1911 ज़्यादा से ज़्यादा $2,000 का, मतलब बहुत अच्छी कंपनी का होगा तो $3,000 का। अगर कोई पुराना लेना होगा कोल्ट गवर्नमेंट मॉडल, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा $5,000 का। वो कितने बने हमारे यहाँ पे, तीन लाख रुपए बना। और हमारा यहाँ पे जो उसकी कॉपी है वो 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का भी शायद हो सकता है, 3-3.5 लाख का तो है वो मिल रहा है। सेम ऐसे ही जो IOF है, IOF वाले भी जैसे शुरुआत तो उन्हीं से हुई है महंगे वेपन्स की। और IOF वाला जो हमारा जो Mark 1 है, Mark 2, Mark 3, जो Mark 3 ऑलमोस्ट 1,70,000-80,000 रुपए की चीज़ है, तो वो जो चीज़ है वो 1,70,000 रुपए तकरीबन कम से कम $2,500 बन गया। तो उसको कोई $200-$300 का भी यहाँ पे इसके कंपैरिजन वो क्या है अगर हम देखें। ये है जो इसमें 9 शॉट्स आते हैं, मैं 9 के 9 शॉट्स जैसे भी इसको भर के रखूँ और जितनी भी चाहे मैं रैपिड फायरिंग करूँ, कभी एक आज तक एक मेल फंक्शन भी मैंने इसमें नहीं देखा है। थोड़ी सी क्लीनिंग की है, थोड़ी सी मेरी अपनी रिपेयर ज़रूर है इसमें, पर फिर भी IOF से तो बहुत अच्छा है। तो क्या IOF की और इसकी कैसे हम तुलना कर सकते हैं? ऐसे ही वो प्रोटेक्टर है, तो आप अगर ले रहे हैं चीज़, आप उस चीज़ को बढ़ावा मैं नहीं चाहता कि दो, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ वो $300 की, $400 की चीज़, जैसे 25,000-30,000 रुपए की चीज़ आपको 5,00,000-4,00,000 रुपए की दे रहे हैं, तो आपका उससे उसमें कोई इतना ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। प्रोटेक्टर पिस्टल को जो ग्रेटा है उसको हम जज नहीं कर रहे, पर जस्ट ये नहीं बोल रहे कि वो बुरा है या अच्छा है। बस एक चीज़ है कि वो उसका जो प्राइस पॉइंट है वो एक पॉकेट फ्रेंडली, एक सिविलियन के लिए पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इस एक छोटी चीज़ पे अगर आप अल्टो लेने जाएंगे और अल्टो का अगर आप 10 लाख प्राइस देंगे, 20 लाख प्राइस देंगे, जैसे पाकिस्तान में है उसका उसी अल्टो का पाकिस्तान में 20 लाख रुपए ऐसे चल रहा है, तो वो ज़्यादा है ना उनके हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारे पिस्टल्स हैं, एमुनेशंस हैं और राइफल्स हैं और शॉट गन्स हैं, उनका भी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, जो इतना होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो क्या ब्यूरोक्रेसी है या क्या क्या चीज़ है जो इस चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर प्राइस कर रही है। पर प्रोटेक्टर अभी तक मैंने फायर तो नहीं किया, मैंने अपने हाथ में भी नहीं देखा भी नहीं मैंने प्रोटेक्टर, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। पर एक चीज़ है जो मैं बिना देखे इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि M57 इससे तो वो अच्छी नहीं हो सकती इससे, क्योंकि ये जो पिस्टल है ये 1954 का बना हुआ पिस्टल है और आज भी ये ऐसे काम करता है कि एक ब्रांड न्यू पिस्टल हो इससे। जैसे मैंने बताया कि मैंने 700-800 राउंड तो मैंने फायर किए होंगे, पता नहीं जो इसका पहले ओनर होगा उसने कितने राउंड्स फायर किए होंगे इसके। एक जो अटल है, अटल की भी कीमत मैंने पता की है एक दो जगह से, वो भी 2 लाख, तकरीबन 2,50,000 से ऊपर की कीमत होनी चाहिए उसकी, अगर जैसे वो बता रहे हैं कि 2,50,000 कीमत हो सकती है। क्या वो इस चीज़ की कंपैरिजन करेगा, इस चीज़ से कम्पीट करेगा वो पिस्टल? एक रीज़न वो ये ज़रूर दे सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंस जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हो पाती गन्स की। तो जैसे हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन, अगर हम जैसे उन्होंने 100 पिस्टल बनाए तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो सकती है।
अगर वो 1,000 पिस्टल बनाएंगे, अगर उनके 1,000 बिक गए तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि बिक बहुत ज़्यादा रहे होंगे। तो वही चीज़ एक फैक्टर हो सकती है, दूसरी ब्यूरोक्रेसी फैक्टर हो सकता है, पर फिर भी डबल हो सकती है कीमत, जैसे 25 से 50 हज़ार हो सकता है ऐसे पिस्टल का। जैसे मैं प्रोटेक्टर का मैक्सिमम मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा प्रोटेक्टर अपनी काम करे, वो उसका मैक्सिमम प्राइस 1,50,000, 1,40,000 के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारा 1911 है, जो हमारा 0.45 कैलिबर का पिस्टल है मल्होत्रा का, वो मैक्सिमम अगर हम उसका देखें कि वो बहुत अच्छा चल गया, उसकी मेटलर्जी बहुत अच्छी है, उसका मतलब एवरीथिंग बहुत अच्छा है, तो उसकी मैक्सिमम कीमत जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 1,60,000-70,000 रुपए, इससे ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, अगर क्या फ़ायदा इतने महंगे पिस्टल्स का अगर हम अपने आप को ट्रेन ही नहीं कर सकते, अगर एमुनेशन उसका इतना महंगा और इतना लिमिटेड मिलेगा आपको। आप ये तो नहीं है कि आप अनलिमिटेड एमुनेशन ले सकते हो और अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, ट्रेन अगर आप ट्रेन इसमें भी नहीं करोगे, तो ये मैगजीन ही अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं जाता। अगर आपको रीलोड करना पड़ गया तो ये मैगजीन ही दोबारा अच्छे से अंदर नहीं जाता। और जब हम किसी इंटेंस सिचुएशन में होते हैं तो हम रैपिड फायर कर रहे होते हैं, तब इतने छोटे से जो ये जो इसकी आयरन साइट्स हैं, ये हम इसको इसमें अपने टारगेट को लाने को ही बहुत मुश्किल आ जाती है। अगर आप 5 से 4 4 5 राउंड ईयरली फायर करोगे, तो आप कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे आप अपना जिस दिन आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और तब आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही सब था कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वीडियो करूँगा, तो आप भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ अपनी उठाएं। क्योंकि हमें, अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि हमें गन्स अच्छी लगती हैं, हमें इंटरेस्ट है इस चीज़ पे, ये बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं होती। इसकी एक डिफरेंट वीडियो बन सकती है, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। गन्स बुरी नहीं होती हैं, जो हम इंसानी दिमाग होता है वो इस चीज़ को बोलेगा कि कैसे अच्छी जगह पे चलना है या बुरी जगह पे चलना है। इसका जो इस्तेमाल है वो इंसानी दिमाग ने करना है। तो गन्स अपने आप में बुरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। एक गन कल्चर भी बोलते हैं, उसका एक अलग टॉपिक है वो, कि हम किसी गन कल्चर को बढ़ावा नहीं देते। अरे गन कल्चर का भी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है हमारे समाज में। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता था, कि एक प्राइस पॉइंट जो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, वो आपको समझ आई होगी। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में भरी पड़ी हैं इंडियन गन्स के बारे में। सोचते थे कि कभी प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी हैं।